नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीईओ सिरमौर के बीच जब ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। कल इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आया जब दो लोग विश्वविद्यालय थाने सरेंडर करने पहुंचे। बीजेपी के पदाधिकारी थे, मनीष शुक्ला बनकुइया मंडल के अध्यक्ष और विनय शुक्ला महामंत्री भाजयुमो सिमरिया। जब ये सरेंडर करने पहुंचे और सरेंडर करने के दौरान मनीष शुक्ला ने बड़े आरोप लगाए और ये आरोप लगाए सिमरिया से पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर। आरोपों की झड़ी थी और उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, अभय मिश्रा के कॉल डिटेल की जांच हो। आपको बता दें कि जब इससे पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सीईओ के साथ मारपीट हुई, उसके बाद अभय मिश्रा जब ज्ञापन देने पहुंचे थे तो उन्होंने मनीष शुक्ला पर भी तमाम आरोप लगाए थे। इस पूरे मसले पर विधायक केपी त्रिपाठी का कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है और जिस तरह से इसमें उनका सीधे तौर पे आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तमाम जो पर्दे के पीछे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कल जब ये सरेंडर हो रहा था तब उन्होंने तमाम आरोप अभय मिश्रा पर लगाए और उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा के मोबाइल की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों का खुलासा हो जाएगा। हम सभी लोग पुलिस का जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए थाने में आकर सरेंडर किया है और हमारी प्रशासन से अपील है कि पूरे मामले की जांच की जाए, कॉल डिटेल की जांच की जाए। वहीं एक आरोपी अब भी फरार हैं, उनका नाम विवेक गौतम है और उन्होंने भी आवेदन दिया है और आवेदन में कहा है कि वो उस दिन वहां पर थे ही नहीं, इसलिए कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। जांच की बात चल रही है, सिमरिया विधायक ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बात को सुनना चाहिए और जिस तरह से ऑडियो जिस स्तर पर वायरल किया गया, और उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरी तरफ फोन पर होते तो क्या जनपद सीईओ इसी तरह से बात करते हैं। सिमरिया विधायक का कहना है कि मैं जनहित के मुद्दों पर लड़ता रहा हूं, विकास कार्यों को लेकर लगातार अवरुद्ध पैदा कर रहे थे जनपद सीईओ और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, तलब किया गया, बात की गई, तमाम जो पदाधिकारी थे जिन पर जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। हर दिन इस पूरे घटनाक्रम में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कहीं बात ये होती है कि अभय मिश्रा का इन्वॉल्वमेंट है जो आरोप लगाया है मनीष शुक्ला ने। मनीष शुक्ला पर अभय मिश्रा ने पहले ही बयान दिया था कि आदतन अपराधी हैं, तमाम तरह की धाराएं मुकदमे उन पर हैं। मनीष शुक्ला ने कहा कि अभय मिश्रा पर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर जांच के बाद कौन मुख्य रूप से दोषी होगा, किसके इशारे पर हुआ, किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। लेकिन सियासत जबरदस्त हो रही है, राजनीति अब उस उफान पर पहुंच गई है जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ करती है। 2023 से मरिया का संग्राम रीवा जिले की शायद सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा रोचक यही सीट होगी, पहले भी रही है और यहां का जो राजनीतिक घटनाक्रम है जिस तरह से उथल पुथल होती रही है उससे देखना है कि इस बार विकास कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1 साल का लगभग समय बचा हुआ है, उसके बाद आचार संहिता और उसके बाद तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी, चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब देखना है कि इन आरोपों पर पुलिस किस दिशा में जांच करती है। पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष रूप से वो जांच करेंगे और जो दोषी हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, उन पर भी कार्रवाई होगी। सिमरिया विधायक के आरोप हैं कि षड्यंत्र किया गया, वहीं अभय मिश्रा का आरोप है कि मनीष शुक्ला और तमाम लोग जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्होंने तो बहुत सारे नाम उसमें जिक्र किए थे, ये भी कहा था कि सिमरिया विधायक के भाई थे, उनका नाम काटा गया है। SDM सिरमौर पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जांच क्या कहती है, जांच में कौन दोषी पाया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं, कल जब सरेंडर करने पहुंचे दो लोग तो उसमें मनीष शुक्ला ने जो मीडिया बाइट दी, जो बयान दिया है उसे सुनाते हैं, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है और अब इन आरोपों पर पुलिस किस तरह से जांच करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरा तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभय मिश्रा शराब की पैकारी करने वाला, इसके मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों की पता हो जाएगा अपने आप। हमने एक वीडियो देखा था, आप सब मीडिया बंदियों के सामने खड़े होकर
शराब के पैकारी करने वाला एक बयान दे रहे थे कि बयान दे रहे थे उसके उनके पीछे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष खड़े होकर के पीछे खड़े थे। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी किस रसातल पे जा रही है ना। दूसरी बात, अभय मिश्रा एक ऐसा साथी अपराधी है जिसके ऊपर 2-2, 307, 3-3, 353 एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का मुकदमा, 3-3 बार 110 की कार्रवाई, जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि ऐसे साथी अपराधी के ऊपर पुनः जिले से बदर करने की कार्रवाई हो ताकि रीवा में शांति और अमन का माहौल बना रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का सहयोग करने के लिए सरेंडर करने आए हैं। चूँकि इस अपराध घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा था, हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी जी के इसी में घेरा जा रहा था, तो चूँकि सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक केपी त्रिपाठी जी की बढ़ती लोकप्रियता को ये सब पहचान नहीं पा रहे, हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था का सहयोग करने के लिए यहाँ सरेंडर करने आए हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो।